हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के स्कोप के बारे में बात करेंगे, यानी उसके फंक्शंस जो होते हैं उनकी बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया था, उसके नेचर्स पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं उसके स्कोप और फंक्शंस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कोप्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मेन फंक्शंस, फिर है हमारा सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम अलग अलग, पहले हम मेन फंक्शन की बात करते हैं। मेन फंक्शन मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं उन पर हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला मेन फंक्शन है आपका प्रोडक्ट प्लानिंग, यानी उत्पाद नियोजन। हम कह सकते हैं उत्पाद नियोजन। ठीक है, क्या होता है इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उत्पाद नियोजन से आशय उत्पादन विधियों, प्रक्रियाओं, साधनों, कार्यक्रमों तथा उत्पादन की किस्म और मात्रा के संबंध में विभिन्न निर्णय लेना है कि आपकी प्रोडक्ट कैसा होगा, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, आपका प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनेगा। इन सब के बारे में प्रोडक्शन प्लानिंग आपको पहले ही कर देनी है। उत्पादन प्रबंधक अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उन पर एनालाइज करके फोरकास्ट के द्वारा ये एक रूपरेखा तैयार करता है प्रोडक्ट प्लानिंग की, कि इस तरह का फ्यूचर में हमको इस तरह की प्लानिंग, इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, मशीनरीज मंगवाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का हम करते हैं। क्लियर है सबसे पहला फंक्शन। सेकेंड हमारा फंक्शन है डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स, यानी इसको हम हिंदी टर्म में कहेंगे उत्पादन अभिकल्पना। अभिकल्पना यानी कि यह उत्पादन विभाग की तकनीकी कार्य है, ये जो डिजाइनिंग का काम है वो एक टेक्निकल वर्क है जिसमें वस्तुओं का आकार और प्रकार निर्धारित किया जाता है। जिसमें क्या डिसाइड किया जाता है, वस्तु का साइज और उसका टाइप डिसाइड किया जाता है कि किस टाइप की आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। इस कार्य में उत्पादों की रूपरेखा तैयार करना, ड्राइंग तैयार करना, लेवल्स और इसके लिए आवश्यक जो सूत्र है, जो भी आपके निर्देश दिए जाते हैं, उन सबको तैयार करना। क्लियर है। फिर है आपका थर्ड है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसको हम कहते हैं उत्पादन इंजीनियरिंग। जब हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग के बारे में समझना जरूरी हो जाता है। देखिए क्या होता है, With the development of modern production plans and factories production, engineering has become an integral part of the production department. This function includes decision making about various methods related to production, like decision about the choice of production method, production process, instrument and equipments to be used in the process. कि आधुनिक कल कारखानों में उत्पादन इंजीनियरिंग उत्पादन विभागों का एक प्रमुख अंग बन गया है। इसके अंतर्गत उत्पादन विधियों, प्रक्रियाओं, औजारों और प्रयोग में लिए जाने वाले यंत्रों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें उत्पादन प्रमाप समय,
कार्य के नाम, तकनीकी आदि का भी निर्धारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ पर? फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, नेक्स्ट आता है आपका प्लांट लेआउट। वैसे प्लांट लेआउट जो है वो आगे हम डिटेल डिस्कशन में टॉपिक पढ़ेंगे। प्लांट लेआउट को हिंदी में कहते हैं संयंत्र अभिन्यास। आपके इसी में आगे टॉपिक दे रखा है पूरा, संयंत्र अभिन्यास। इसका मतलब होता है द मेजर फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर इज टू डिजाइन साउंड प्लांट लेआउट। यानी उत्पादन प्रबंध का ये प्रमुख कार्य होता है कि वह अपने उपक्रम सुदृढ़ संयंत्र अभिन्यास तैयार करे। अब अभिन्यास से, लेआउट से मतलब क्या है आपका? कारखानों में जो भी उत्पादन यंत्र, उपकरण, क्रियाओं, कार्यस्थलों, सहायक सुविधाओं तथा क्रियाएं जैसे निरीक्षण या फिर हम कह सकते हैं स्टोरेज की, या कंपनी के अंदर ही, फर्म के अंदर ही आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, इन सब के लिए, तो वो आपका होता है प्लांट लेआउट। क्लियर है यहाँ पर? चले आगे, आगे बात करते हैं। आगे है हमारा रूटिंग यानी पथ। ये क्या कहता है? रूटिंग इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर इज डिसाइड टू द बेस्ट पॉसिबल रूट फॉर द फ्लो ऑफ मटीरियल, मशीन एंड मैन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के मार्ग निर्धारण के अंतर्गत उत्पादन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ये डिसाइड करता है कि आपका रॉ मटेरियल किस मार्ग से होकर, किस रूट से होकर वो फिनिश गुड में उस कन्वर्ट होगा। पथ निर्धारण से तात्पर्य ऐसे सबसे अधिक लाभप्रद मार्ग का निर्धारण करना जिसमें कच्चे माल से निर्मित माल में बदलते हुए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मशीनरीज को यूज किया जाता है। फिर है आपका स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग का मतलब है आपका अनुसूचियन। अनुसूचियन, अनुसूचियन यानी स्केड्यूल रेफर्स टू द डिटरमाइनिंग द टाइम टेबल फॉर अ प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी अनुसूचियन से आशय उत्पादन कार्य में लगने वाले समय का निर्धारण करती है कि हम कितने टाइम में प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन का क्या करती है ये? टाइम डिसाइड करती है कि हम कितने टाइम में प्रोडक्शन करेंगे। अर्थात प्रत्येक विभाग में उत्पादन कार्य कब से प्रारंभ होगा, किन विभागों में उत्पादन क्रियाओं का कितना समय लगेगा, माल को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा, ये सारी चीजें हम स्केड्यूल में तय करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? फिर है आपका डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग यानी हम कह सकते हैं प्रेषण। अब आपका माल तैयार हो गया है तो आपको उसको प्रेषण भी तो करना होगा, डिस्पैच भी तो करना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को उत्पादन आदेश व निर्देश प्रदान करने और आवश्यक नक्शे, सामग्री, पार्ट्स आदि पहुंचाने तथा विभिन्न कार्यक्रम क्रियाओं में तालमेल बिठाने का कार्य उत्पादन प्रबंधक द्वारा किया जाता है। कि कहाँ से कितने, किस डिपार्टमेंट से कितना डिस्पैच करवाना है, कि कौन सा मटेरियल करवाना है, कौन सा प्रोडक्ट करवाना है, किस तरह का सेमी फिनिश गुड है या फिर आपका फिनिश गुड है या रॉ मटेरियल है, किस टाइप का आपको क्या करना है, प्रोडक्शन पहुंचाना है। एंड देन उसके बाद है आपका फॉलो अप यानी अनुगमन। फॉलो अप इज अ चेक ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्डर एज टू अ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेशन अंटिल द ऑर्डर टेक फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स। इट इज अ प्रोसेस टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट विद द प्लांट स्केड्यूल एंड आइडेंटिफाई डिवाइशन सो दैट करेक्टिव एक्शन मे बी टेकन इन अ टाइम। उत्पादन प्रक्रिया का समग्र रूप से अनुगमन होना आवश्यक है।
आप प्रोसेस करने के बाद उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। आपने प्रोडक्शन प्लान कर दिया, डिजाइन कर लिया, इंजीनियरिंग हो गया, आपका लेआउट हो गया, रूट डिसाइड हो गया, डिस्पैच हो गया, ये प्रोसेस में हुआ है। क्या एक्चुअल ऐसा हुआ है जैसा हमने प्रोग्रेस करवाया था? तो वो आपको वापसी क्या करना होगा, एक बार चेक करना होगा, चेक इट, आपको चेक करना होगा कि क्या हमने प्रोग्रेस में जैसा डाला था वैसा हमारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? समझ आया आप लोगों को? ये थे हमारे मेन फंक्शन। किसके मेन फंक्शन? स्कोप, जो हमने स्कोप और फंक्शन स्लैश करके लिख देते हैं, ठीक है, स्कोप और फंक्शन, ये हमारे मेन फंक्शन थे। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन पर, ठीक है। चलिए सेकेंडरी फंक्शन, चलिए सबसे पहला सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला आता है क्वालिटी कंट्रोल। इसका भी डिटेल टॉपिक है, पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। यानी किस्म निरीक्षण, ये क्या होता है? विशिष्ट विवरणों और निर्धारित मानकों के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना किस्म नियंत्रण कहलाता है। यानी कि हमारे जो स्टैंडर्ड सेट है, हमारे जो भी प्रमाप निर्धारित किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सेट करना है या प्रोडक्ट को बनाना है। अगर हम उस तरह के नहीं करते हैं तो वो हमारी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि आपके प्रोडक्ट का टाइप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। वैसे हम डीमेरिट्स को कम रखते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा शो क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के मेरिट्स, एडवांटेज ही शो करते हैं। तो वो हमारी, ये जो हमने अभी डिस्कस किए पॉइंट, क्या ये हमारे प्रमाप, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं या नहीं, ये आपको किसमें चेक करना है, क्वालिटी कंट्रोल में। तो इन शॉर्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक काम ये भी बनता है कि वो क्वालिटी कंट्रोल के अकॉर्डिंग वस्तुओं को बनाए। फिर है आपका मटीरियल हैंडलिंग, मटीरियल हैंडलिंग, यानी हम कह सकते हैं सामग्री हस्तन, सामग्री हस्तन क्या होता है, देखिए एक सॉरी, ठीक है, देखिए सामग्री हस्तन से आशय उन बुनियादी क्रियाओं से हैं जो गुरुत्वाकर्षण, शारीरिक प्रयत्न और स्वचालित उपकरणों के जरिए सामग्री के मूवमेंट के संबंध में की जाती है। उस आदर्श स्थिति को प्राप्त करने से संबंध रखता है जहां हस्तन की आवश्यकता ही न रहे, किंतु व्यवहार में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्तन को समाप्त करने और हस्तन की लागतों को न्यूनतम करने के संबंध में रखता है, ताकि आप उन मशीनरीज को इस तरह से यूज करें कि आपकी कॉस्ट कम आ सके। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। दिस इंक्लूड हैंडलिंग मटीरियल इन प्लांट एंड मेंटेनिंग द मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। इट ऑल्सो टेक केयर द मटीरियल हैंडलिंग इज डन एट द मिनिमम ऑफ कॉस्ट। इट इन्वॉल्व्स द इश्यू ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मटीरियल फॉर इट्स बेस्ट यूज बाय रिमूविंग वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देन इसके बाद आता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल यानी सामग्री तालिका नियंत्रण, सामग्री तालिका नियंत्रण क्या होता है ये, इस पर हम बात करते हैं। देखिए
सामग्री तालिका नियंत्रण यानी सामग्री तालिका नियंत्रण से आशय कच्चे माल और निर्मित माल, साज सामग्री व उपकरण आदि के क्रय संग्रहण और निर्गमन का उचित प्रबंध करने से है। किनको करना है आपको इसमें जो हेडलाइन जो टॉपिक्स है वो क्या क्या है आपको? रॉ मटेरियल कह सकते हैं, WIP कह सकते हैं, फिनिश गुड कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्पेयर्स कह सकते हैं, जो हमारे पार्ट्स हैं इनको रिजर्व करना है किसी फिक्स टाइम के लिए। इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ सिस्टम दैट इंश्योर दैट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट इज अवेलेबल ऑफ मिनिमम कॉस्ट। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि जब भी हम रॉ मटेरियल या फिर WIP इन सब के बारे में या हमारे इक्विपमेंट्स को परचेस करना स्टोर करना और उनका परफॉर्मेंस, इन तीन चीज़ों को अगर हम मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल। क्लियर है यहाँ पर? समझ आया आपको? चलिए अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट है आपका स्टोर कीपिंग। ठीक है, स्टोर कीपिंग यानी भंडार रक्षण। क्या होता है कि भंडार रक्षण से आशय कच्चे माल को गोदामों में सुरक्षित रखने से है, यानी कि आप जो भी आपके माल आता है, प्रोडक्ट्स है, मटेरियल है, उनको आप क्या करो, स्टोरेज में रखवाओ, गोडाउन में रखवाओ, वो भी कैसे सेफली, ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो। क्लियर है? जिस तरह से कस्टमर डिमांड करे आप उस स्टोरेज से ले जाकर कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोविजन ऑफ वेजेस इंसेंटिव्स, यानी मजदूरी प्रेरणाओं की व्यवस्था। यानी हम कह सकते हैं कि उत्पादकता वृद्धि का आधार श्रमिक की संतुष्टि है। हम ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, किस बेस पर इंक्रीज हुआ, क्या हमको ये पता है? हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज किस बेस पर हुआ है? लेबर सेटिस्फेक्शन के बेस पर हुआ है। अगर हमारा लेबर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हमारा मजदूर सेटिस्फाइड नहीं है, क्या हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे? जी नहीं। तो श्रमिक संतुष्टि से जिसे प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि हमारा जो लेबर सेटिस्फेक्शन जो लेवल है, अगर हम उसको बेहतर तरीके से, एक लेबर को सेटिस्फाइड करें, वो बेहतर तरीका क्या हो सकता है हमारा? वेजेस इंसेंटिव्स के जरिए। तो वो उससे उसके जो लेबर सेटिस्फेक्शन है वो लेवल बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारा लेबर सेटिस्फाइड है तो हम दिन ब दिन क्या करेंगे, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट लाएंगे। हम अपने प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट ला सकते हैं। जब हमारा लेबर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो हम अपने प्रोडक्शन में कैसे इंक्रीमेंट करेंगे? लेबर जब सेटिस्फाइड होगा तब हमारा प्रोडक्शन जो होगा वो ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएगा। और लेबर कब हमारा सेटिस्फाइड होगा, वो किस तरह से सेटिस्फाइड होगा, कि लेबर को अगर हम वेजेस और इंसेंटिव्स के थ्रू अगर हम सेटिस्फाइड करें तो हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट ईजिली हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं, आगे है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण। हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में बहुत से प्लांट्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज होते हैं, उनका हमें अनुरक्षण यानी उनको हमें मेंटेन करके रखना होता है कि हमारी कंपनी में अगर प्लांट और मशीनरी सुव्यवस्थित किए गए हैं तो हम उसको बहुत बखूबी तरीके से निभा सकते हैं और उन प्लांट से हम प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा है
पर्सनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, उनके बारे में हम देखते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या होता है। कि किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में अगर कोई कर्मचारी है, बिना कर्मचारी के तो आप कभी भी प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। अगर आपकी कंपनी में कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है, तो उनको अपनी कंपनी के लिए योग्य और उपयुक्त कर्मचारी आपको चुनना है। उसके बाद उपयुक्त कर्मचारी चुनने के बाद उसका प्रमोशन, उसका ट्रेनिंग, उसका प्रमोशन, उसके ट्रांसफ़र, इन सारी चीज़ों से रिलेशन, इन सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाना है। तो इसके लिए जो छोटे छोटे स्केल्स पर, जैसे जो छोटी फर्म्स होती है वो क्या करती है कि वो जो शॉर्ट स्केल पर जो भी कंपनियां काम करती है, वो एक प्रोडक्शन जो मैनेजर होता है वो ही इन सारी एक्टिविटीज़ को भी कंप्लीट करता है। जबकि अगर लार्ज स्केल की बात करें तो लार्ज स्केल में ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती है, ये हमारा एक अलग से प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एक अलग से हम पर्सनल मैनेजर करके हायर करते हैं, और वो मैनेजर इन सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखता है। तो इसी के साथ ये आज के हमारे जो स्कोप्स थे वो यहीं ख़त्म होते हैं। स्कोप्स में हमने सबसे पहले देखिए, आज का टॉपिक हमने स्कोप से स्टार्ट किया था। स्कोप्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्लासिफाई, मेन फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा था, मेन फंक्शन में हमने देखे हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग, हमारा प्लांट लेआउट कैसा होता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्पैचिंग, हमारा जब प्रोडक्ट बनता है तो हम उसको डिस्पैच किस तरह से करवा सकते हैं। सेकेंडरी में हमने देखे थे क्वालिटी कंट्रोल, हमने इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल के अलावा स्टोर कीपिंग, इस तरह से हमने पर्सनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, इन सारी एक्टिविटीज़ को हमने देखा था। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।